भाई भाई मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। भाई भाई मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या कहते हैं बिहार की बोली में, बुरा ना मानो बोली में। यही मेरी आप बीती है। दरअसल तुम्हारे जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ बुध ऊंच का है पर वक्री है, अर्थात अर्थात मित्र तो होंगे पर सूरत हराम होंगे। पर तुम घबराओ नहीं, इसका भी एक रामबाण उपाय है। यह लो डाबर का लाल तेल है, लगा लो, कहीं भी रंग नहीं चढ़ेगा। जी गुरुदेव। अबे देख गिट्टू कैसे मौज ले रहा है। अरे मौज कर दी बेटे। ओके आसाम की तैयारी हो चुकी है ना भाई, सबसे टेंशन नहीं लेने का। अबे हम टेंशन लेते नहीं, देते हैं। अरे ये तो अंकित है। साला इधर ही आ रहा है, ऊपर आ रहा है। भाई होली के शुभ अवसर पे पुराने दोस्तों ने दावत रखी है, आप सभी को आमंत्रित करने आया हूँ। अबे टाइमिंग तो देखो इसकी, 3 PM इनविटेशन देने आया है। तूने क्या सोचा था, टू लेट से निकलेगा तो तुम्हें अपने ढंग से रंग नहीं लगाएंगे। Oh no! अबे गले मिलो, हम जोली हैं। गले मिलो, हम जोली हैं। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, होली है। ये तो गया। अरे भाई कोई बात नहीं। अरे सुकेश भाई आप भी यहीं मिल गए, क्या बात है। यहाँ क्या कर रहे हो बे, तुम्हें तो क्रोमोफोबिया है, तू तो होली खेलता नहीं। इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले ली बाहर आने की, पिछली बार कोई कसर रह गई थी तो बोल पूरा किए देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई, हालत नहीं देख रहे हो मेरी। मैं तो आप लोगों को शाम की दावत के लिए आमंत्रित करने आया था, आप भी आना भाई। ओके मैं चलता हूँ, जरूर से आना, खाने में चिकन मटन सब है। और हाँ हमारी एक पुरानी दोस्त पिंकी भी आ रही है। चल ठीक है, मिलते हैं, आते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू मेहमानों से। अरे पिंकी
अरे आप लोग इसकी बातों पे मत आइए, इसकी तो आदत है मजाक करने की। आप लोग अंदर आइए ना, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ आप लोगों को बाहर खड़ा करके बातें किए जा रही हूँ। फिर तू अरे अंदर आइए ना प्लीज। वाओ क्या बात है, एज पर प्लानिंग ऑन टाइम। अबे हैव फन। वो तो हम करेंगे। वैसे उसे हुआ क्या है? फेज है जी। किस चीज का फेज? लाइफ का फेज। कभी बचपन, कभी जवानी, और फिर बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी। यस। अरे कहानी तो अभी शुरू हुई है। हाँ भाई, कब से आतंक मचा हुआ है, क्यों ना हम लोग अपने खाने पीने का प्रोग्राम सेट करें। अरे क्या फट से मुंह खोल देते हो कहीं भी। अरे अरे कोई बात नहीं, हम आपसे अलग थोड़ी ना है, वैसे भी हम पुराने दोस्त हैं। अभी लगाती हूँ खाना। विशाखा जल्दी से खाना लगा दो। जी भाभी। खाना? मुझे तो लगा था पहले पिलाओगे। जैसे उसकी में जैक डेनियल, जॉनी वाका, टीचर्स, ब्लैक डॉग, वैलेंटाइन या वाइन, रम टेकीला, आरएस, 8 PM, भाई को कुछ भी चलता है, जो चाहे पिला दो। देसी पौवा ठर्रा भी जोड़ दे। अरे वो तो एकदम लास्ट में है, जब कोई ऑप्शन ना रहे तो। अबे हमारी इज्जत बढ़ा रहे हो कि लगा रहे हो? सुना है खंबा खत्म करने के बाद भी खंबे की तरह खड़े रहते हैं आप। अरे ये सब तो बस कैसे कर लेते हैं आप। अरे कुछ नहीं होता अपन को, हम तो बस ऐसे ही हैं जहरीले, अब तो बस बात की जज्बात रखने के लिए पी लेते हैं कभी कभी। तो फिर ये पी के दिखाइए। लाइए। अरे बस आप ही थोड़ा सा समझ जाइए। अरे इनको भी पिलाइए। वैसे था क्या ये? बाबा शिव का प्रसाद भांग था ये। भांग? हो गया खेला। क्यों, कभी पी नहीं है क्या? पिया है ना, मम्मी मना करती थी फिर भी पिया है। सब एक ही लेवल तक जाते हैं, बस टेस्ट का अंतर हो जाता है, कोई कड़वी कोई मीठी। है ना? सही कहा। यार बहुत देर हो गई है, भूख लग गई है, चलो ना कुछ खाते हैं, यहाँ एक रेस्टोरेंट भी तो है। अरे मैंने सब इंतजाम किया है। ये क्या है? मूंगफली। भाई मुझे मूंगफली नहीं खानी है। अबे यहाँ पे चिकन है, मटन है, खाना कितना खाएगा तू? गजब का है दिल, सोचो जरा। ये दीवानापन देखो जरा।
अरे हम है अटेले तुम भी थकेले, मजा आ रहा है गजम से। अरे ये क्या हुआ? भाई मैं यहाँ आया कैसे? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं? जैसे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार, कोई धोखा या कोई प्यार, कुछ भी याद नहीं? आप अपने बचपन में हैं मिस्टर कौशिक चंदन शरण। तो तुम्हें मेरा नाम पूरा किसने बताया? खुद आपने मिस्टर के, बाय द वे। क्या बकवास है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कई जन्मों की यादों की बात है मिस्टर कौशिक। आपकी तहकीकात करने और सवालों को सुलझाने में आपकी जवानी निकल सकती है। ऐसे कैसे निकल सकती है? तुमने तो कहा मैं अपने बचपन में हूँ। भाई तू मेरे साइकिल में बस इतना हवा भर दे कि घर जाके माँ के गोद में सर रख करके सो जाऊँ। क्या आपको लगता है कि आप साइकिल से आए? मतलब हाँ जी मैडम, कहाँ चलना है? शिवलोक चलो। इतनी जल्दी? अभी तो पूरी जवानी बाकी है। उतना वक्त तो सफर में ही कट जाएगा। मैं गाड़ी तेज दौड़ाऊंगा और मुकर्रर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है। बाबा को प्रणाम। बाबा मैं आ गया। और साथ में मुझे भी ले आए हैं। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुंच पाया है। इतनी क्या लालसा जो इस फेज में यहाँ तक पहुंच गए? अच्छा तो ये वो फेज है। सही कहा। भांग था ये। फेज है जी। अब क्या चाहिए? बाबा मुझे घर जाना, बस घर जाना मुझे। सोच लो, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मंजूर है, मंजूर है। वाह रे इंसान, कितनी बार जीवन मरण का चक्कर लगाओगे? ध्यान से देखो, घर में ही हो। होश आने पर सब समझ जाओगे। देवी जी, प्रभु भक्त को इस फेस से मुक्त करे। जो आज्ञा प्रभु। मजा चखाया भांग की एक गोली ने।
इसीलिए कहते हैं बिहार की बोली में कि बुरा ना मानो होली में।